मेरा नाम अशोक है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैंने मेरे घर वालों को कहा था कि जब तक मैं अच्छी नौकरी नहीं करता, शादी नहीं करूँगा। मैं बैंक के लिए तैयारी कर रहा था, जिसमें काफ़ी समय लग गया। इस कारण मेरी उम्र 32 साल की हो गई, लेकिन मेरी नौकरी अच्छी लग गई थी। अब मेरे घर वालों को मेरी शादी की चिंता सताने लगी। उन्होंने कई जगह मेरे रिश्ते की बात चलाई, लेकिन कुछ बात नहीं बनी। हर जगह कुछ ना कुछ समस्या हो जाती थी। इन्हीं सब बातों में 1 साल और बीत गया। मेरी मम्मी और पिताजी को अब ज़्यादा टेंशन होने लगी थी। वो सुबह शाम बस मेरी शादी की ही फिक्र किया करते थे। लेकिन फिर एक दिन उनकी कोशिश रंग लाई। काफ़ी दिनों तक ढूंढने के बाद एक रिश्ता आया था जो घर वालों को जमा था। वो लोग गांव के थे और हमसे गरीब थे। घर वालों ने मुझे उस लड़की की तस्वीर दिखाई। लड़की अच्छी थी। मैं कहीं और शहर में नौकरी करता था। मम्मी और पापा ने लड़की को उसके घर जाकर देखा था। मुझे भी कहा था, लेकिन मैं आ नहीं पाया। मम्मी को लड़की पसंद आ गई थी। मम्मी ने कहा कि अब बस शादी जल्दी से करना है। शादी का ऐसा योग बन रहा था कि या तो शादी 15 दिन हो या फिर 2 साल बाद। लेकिन अब शादी को टाला नहीं जा सकता था, इसीलिए शादी 15 दिन में होना ही तय हो गया था। इतने कम समय में अब मेरा लड़की देखने जाना संभव नहीं हो सका, इसलिए मैं अब शादी के लिए ही छुट्टियां लेकर आ गया। मैं शादी के 5 दिन पहले ही आ गया। शादी की तैयारियां चल रही थीं और बहुत जल्द मैंने सारी तैयारियां पूरी कर लीं। फिर शादी का समय आ गया। शादी वाले दिन हम लोग बारात लेकर लड़की वालों के यहाँ पहुँच गए। वहाँ सबके चेहरे देख मुझे कुछ अजीब सा लगा। मुझे एक छोटे कमरे में ठहराया गया। मैंने पापा से पूछा, पापा यहाँ सब ठीक है ना? पापा ने बोला, सब ठीक है। शादी गांव की थी। फेरों के समय भी लड़की ने अपना मुंह घूंघट से ढका हुआ था। शादी के बाद विदाई होकर हम सब लोग अपने घर आ गए। घर आने पर मेरी सुहागरात के पहले ही मेरी मम्मी और पापा मुझे अकेले में ले जाकर कुछ ऐसा बताते हैं जो मैंने पहले नहीं सुना। वो बोले कि हमारे घर में एक रिवाज है और प्रथा है कि शादी होने के 15 दिनों तक दूल्हा अपनी दुल्हन का मुंह नहीं देखता। मैंने बोला, यह क्या? आज से पहले तो आपने इसके बारे में मुझे पहले कभी कुछ नहीं बताया था। वो बोले कि पहले नहीं बता सकते थे, क्योंकि पहले बताना अशुभ होता, इसीलिए यह शादी के बाद ही बताया जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह बात एकदम से कैसे आ गई, लेकिन फिर मम्मी पापा के ज़्यादा जोर देने के बाद मुझे मानना ही पड़ा। पिताजी ने मुझे एक काला कपड़ा भी दिया, कहा कि इसे बांध कर ही कमरे में जाना, गलती से इसे खोलना नहीं। मेरे मन में कई तरह के सवाल और विचार आ रहे थे, लेकिन मुझे उनकी बात माननी ही पड़ी, क्योंकि वो जिस तरह से मुझे समझा रहे थे, मुझे उनकी आंखों में थोड़ा डर भी लगा, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। मैं काला कपड़ा लेकर अपने कमरे में गया, दरवाज़ा बंद किया और मेरी पत्नी सेज पर मुंह ढाके पहले ही बैठी हुई थी। मैंने अभी काला कपड़ा अपनी आँख पर नहीं बांधा था। मैं उसके पास गया तो सबसे पहले जो उसने कहा वो था, आपको मम्मी पापा ने सब समझा दिया है ना? मैंने पूछा, उन्होंने तुम्हें भी कहा है? वो बोली, हाँ मुझे भी उन्होंने कहा है और हमें उसका पालन करना होगा। आपको सिर्फ मेरा मुंह नहीं देखना है। 15 दिनों तक मेरी पत्नी मेरे सामने थी, लेकिन मैं उसका मुंह नहीं देख सकता था। मैंने अपना काला कपड़ा उसे दिया और उसकी ओर पीठ करके बैठ गया। उसने कपड़ा मेरी आंखों में ज़ोर से बांध दिया। कपड़ा बांधने के बाद मैंने उसको उसके हाथों को अपने हाथों में लिया। उसके हाथ बहुत ही कोमल थे। उसके बाद मैंने करीब आधी रात तक उससे बहुत बात की। मैं उसे नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी तस्वीर मैंने देखी थी। इस तरह बंद आंखों के बीच हमारे नए जीवन की शुरुआत हो रही थी। दिन में भी इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता था। वो पूरा समय घूंघट में ही रहती थी। शादी के पहले मुझे प्यार क्या होता है इसका पता नहीं था, लेकिन शादी के बाद मुझे अपनी पत्नी से प्यार हो गया था। मैं बड़ी बेसब्री से 15 दिन खत्म होने का इंतज़ार कर रहा था। दिन निकलते रहे और मेरा प्यार बढ़ता गया। आखिर 15 दिन हो गए। मैंने अपने मम्मी पापा से कहा कि आज 15 दिन पूरे हो गए हैं, कुछ पूजा या दूसरा उपाय तो नहीं करना? उन दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। मुझे समझ नहीं आया कि क्यों वो लोग कुछ बोले नहीं, कुछ भी नहीं कहा। मैंने उनसे फिर पूछा कि क्या वह कुछ बात है, आप इस तरह से क्यों उलग रहे हैं? वो बोले, कुछ नहीं। उस रात मैं कमरे में गया। अब मेरे हाथ में काला कपड़ा नहीं था। मेरी पत्नी आज भी घूंघट ओढ़े बैठी थी। मैंने जाते ही उसे कहा कि आज यह घूंघट क्यों? मेरी पत्नी मुझे कहती है कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। मैंने बोला, पूछो। वो बोली, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? मैंने बोला कि 15 दिनों में तुम्हें पता नहीं चला? उसने कहा कि इतने दिनों तक आपने मुझे देखा नहीं था। आप सोचे कि आपको
ऐसा कुछ देखने को मिल जाए जो आपने सोचा भी नहीं था, तो भी आप क्या मुझसे उतना ही प्यार करेंगे या नहीं? मुझे उसकी यह बात समझ नहीं आई। मैंने कहा कि तुम यह क्या बात कर रही हो, मैं तुमसे प्यार करूंगा, तुम मेरी पत्नी हो। वो चुप हो गई। फिर आखिरकार मैंने वो किया जो मैं करना चाह रहा था, मैंने उसका घूंघट उठाया। और घूंघट उठाते ही जब मैंने उसकी शक्ल देखी तो मुझे यकीन नहीं हुआ। यह वो लड़की नहीं थी जिसकी मुझे तस्वीर दिखाई गई थी, यह तो कोई और ही लड़की थी। मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम? वो बोली, मेरी आवाज़ तो आप जानते हैं, मैं वही हूँ, आपकी पत्नी। मैंने आवाज़ लगाकर अपने मम्मी और पापा को बुलाया। मेरी आवाज़ सुनकर वो कमरे में आए। मैंने बोला, अच्छा तो यह सब नाटक आपने इसलिए किया, यह लड़की कौन है? आपने मुझे तस्वीर तो किसी और की दिखाई थी। उनके चेहरे पर घबराहट थी। मेरी माँ बोली, बेटा हम इसी बात से डर रहे थे, बड़ी मुश्किलों से हमने तेरे लिए यह रिश्ता ढूंढा था। वो लड़की इसकी बड़ी बहन थी। शादी के 2 दिन पहले वो घर से चली गई। वो तुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। यह लोग फिर शादी से मना करने लगे, लेकिन हमने इनके पिता पर दबाव डाला था, धमकाया था और पहचान बताई, तो उन्होंने दबाव में उसकी 2 साल छोटी बहन से तेरी शादी करवा दी। हम तुझे बताते तो तू हमें ऐसा नहीं करने देता। सच जानकर तू कभी शादी नहीं करता, इसीलिए हम लोगों ने तुझसे यह सारी बातें छिपाई। तुम दोनों सही मायने में पति पत्नी बन जाओ, इसीलिए 15 दिन वाला नाटक किया ताकि बाद में तू इसे छोड़ नहीं सके। उनकी बात सुनकर मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा कि आपने अपने बेटी की शादी के लिए किसी को धमकाया, आपने मुझे भी झूठ बोला, आपको शर्म नहीं आई? आपने इस लड़की की मर्जी के बिना जबरदस्ती मुझसे इसकी शादी करवा दी। उसके बाद भी यह आप लोगों की बात मान रही है? मम्मी और पापा बोले कि हमने यह सब तेरे लिए किया। मैंने कहा, यह आपने मेरे लिए नहीं अपने लिए किया, ताकि मेरी शादी के बोझ से आप बरी हो जाएं। अगले दिन मैं बिना कुछ बोले सुबह अपने काम पर चला गया, लेकिन वहां जाने पर मुझे लगा कि इसमें आखिर उस लड़की की क्या गलती है। वो पहले ही जबरदस्ती का शिकार हुई है, मैं यही सोचता रहा, और मुझे उसकी आवाज़ से भी प्यार हो गया था। मैं 2 दिन बाद ही अपने घर वापस आया। मैं उसे लेकर उसके घर गया, उसके घर वालों से माफ़ी मांगी, उनकी आंखों में आंसू थे। फिर मैंने उस लड़की से पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? वो बोली कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि आप जैसा पति मुझे मिला। जो भी हुआ वो हम दोनों को मिलाने के लिए ही हुआ था। मैं आपके लिए और आप मेरे लिए ही बने थे, तभी अपने आप रास्ते बनते गए। उसकी इन्हीं बातों पर मैं उससे और ज़्यादा उससे प्यार करने लगता हूँ। अब मेरा फ़र्ज है कि मैं उसे दुनिया भर की सारी खुशियाँ दूँ। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। थैंक यू।